नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। बात छत्तीसगढ़ की, मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और आज का हमारा मुद्दा है पोस्टल पॉलिटिक्स। जी हां, लोकसभा चुनाव की रणभेरी किसी भी वक्त बच सकती है। उससे पहले सियासी दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, लिहाजा चुनावी संग्राम को लेकर दोनों पार्टियां हर तरह के दाव अपना रही है। इसी बीच बीजेपी का एक पोस्ट सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में बीजेपी ने कार्टून बनाकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल, जो वर्तमान में कांग्रेस से राजनांदगांव लोकसभा के प्रत्याशी भी हैं, उन्हें सीधे टारगेट किया है और लिखा है कि राजनांदगांव या जिहाद गांव, फैसला आपका है। इस पर अब राजनीति तेज हो गई है। देखिए एक रिपोर्ट और इसी पर खास मेहमानों के साथ खास चर्चा करेंगे। एक बार फिर से भाजपा विधानसभा चुनाव के तर्ज पर लोकसभा चुनाव में भी हिंदुत्व और लव जिहाद का मुद्दा उठाना चाह रही है। भले बीजेपी की सरकार को बने हुए 3 महीना हुआ हो, लेकिन बीजेपी लगातार धर्मांतरण को लेकर अलर्ट नजर आ रही है और विधानसभा में धर्म स्वतंत्रता कानून लाने की तैयारी में है। इस बीच आज एक बार फिर से ठीक लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने ऐसा कार्टून सोशल मीडिया में जारी किया है जो एक बार फिर सियासत का बड़ा मुद्दा बन चुका है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस ने प्रत्याशियों की सूची जारी की, जिसमें राजनांदगांव लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को प्रत्याशी बनाया है। भूपेश बघेल के चुनाव मैदान पर उतरने की वजह से बीजेपी के संतोष पांडे के लिए चुनौती ज्यादा बढ़ गया है। राजनांदगांव लोकसभा के अंतर्गत आने वाले विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की स्थिति अच्छी थी। वहीं बीजेपी द्वारा किए गए इस पोस्ट को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि पिछली बार जैसी सरकार चली है, उनके मुखिया जहां भी होंगे ऐसा ही सोचा जाएगा। बीजेपी कार्यकर्ता होने के नाते कहना चाहता हूं कि सरकार पिछली बार जैसी चली है, जनता ने पीड़ा झेला, समाज में भी भेद उत्पन्न हुए हैं। मैंने देखा तो नहीं है, परंतु बिना देखे भी ये कह सकता हूं कि जैसी सरकार चली है पिछली बार, उनके मुखिया जहां पर भी होंगे ऐसा ही कुछ सोचा जाएगा। मैं बिल्कुल ये बात मान्यतापूर्वक कहना चाहता हूँ, भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते कहना चाहता हूँ कि सरकार जो पिछली चली है, जिसमें जनता ने जिस तरीके की पीड़ा झेली है, समाज में जैसे विभेद उत्पन्न हुए हैं, आज अगर वो राजनांदगांव से प्रत्याशी हैं तो कोशिश उनकी यही रहेगी, ऐसा लगता है। बीजेपी का यह पोस्ट इसलिए भी सियासत का केंद्र बना हुआ है क्योंकि राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे को हिंदुत्व के चेहरे के रूप में बीजेपी पेश करती है। ऐसे में बीजेपी ने सवाल इस संदर्भ में पूछा है कि राजनांदगांव या जिहाद गांव, वहीं इधर पार्टी के बड़े नेता के ऊपर पोस्ट हो तो कांग्रेस चुप कैसे रहे। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी अपनी नाकामी छुपाने लोकसभा चुनाव से पहले अनर्गल पोस्ट कर रही है, मुद्दों से ध्यान भटकाने, सोशल मीडिया पर प्रत्याशियों के खिलाफ पोस्ट कर रहे हैं। राजनांदगांव संस्कारधानी, बौद्ध की धर्मभूमि, माता बम्लेश्वरी का धाम है। भारतीय जनता पार्टी के मानसिक दिवालियेपन का परिचायक है राजनांदगांव संस्कारधानी है। राजनांदगांव अरुणलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना की मूल रही है। राजनांदगांव माता बम्लेश्वरी का धाम है। राजनांदगांव बौद्ध धर्म की भूमि रही है। राजनांदगांव सिखों की पावन भूमि रही है। ऐसे राजनांदगांव गांव के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करके भारतीय जनता पार्टी ने राजनांदगांव की जनता का अपमान। बीजेपी हर उन मुद्दों को लेकर लोकसभा चुनाव में उतरने जा रही है जिन मुद्दों को लेकर विधानसभा चुनाव में एक बड़ी जीत दर्ज की थी। विधानसभा चुनाव में युवा, महिला, किसान और धर्मांतरण जैसे मुद्दे लोगों के दिल में सीधे तौर पर पहुंचे और परिणाम सबके सामने है। धर्मांतरण और लव जिहाद उनमें से एक था। अब इस तरह के पोस्ट से कितना फायदा बीजेपी को मिलता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। रिपोर्ट देखिए आपने और इसी पर खास मेहमानों के साथ खास चर्चा करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता सुनील चौधरी जी भी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अजय चंदाकर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों का आप तीनों का चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीजेपी नेता के पास चलेंगे, सुनील चौधरी जी के पास। सुनील चौधरी जी, कार्टून के जरिए बीजेपी ने भूपेश बघेल पर अटैक किया है और लिखा है राजनांदगांव या जिहाद गांव, फैसला आपका है, चुनाव आपका है। लेकिन जो कांग्रेस है, कांग्रेस कह रही है कि जाति और धर्म के नाम से शुरू से ही जो बीजेपी है वो लड़ती आई है, मुद्दे नहीं है आप लोगों के पास इसके अलावा। सुनील जी,
जी राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए आज भारतीय जनता पार्टी जब सच कह रही है तो कैसी मिर्ची लगती है। इतिहास उठा करके देखिएगा पिछले पांच वर्षों का जब हम इतिहास देखेंगे तो क्यों जनता इनको नकार दी, इनकी इस सरकार को, कांग्रेस सरकार को क्यों उखाड़ फेंकी। तो घटनाएं सामने आती है। एक घटना बड़ी घटी, भुवनेश्वर साहू हत्याकांड हुआ। भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई लेकिन कोई नहीं गया इनकी तरफ से, ना सरकार गई ना इनके कोई मंत्री गए मिलने। पूरी स्थिति ऐसी थी कि भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई। हमारी सरकार आने के बाद आप देखेंगे एक तरफ तो उनके पिता को विधायक भी बनाया गया, टिकट दी गई, वो जीत करके आया, जनता ने आशीर्वाद दिया, सीबीआई जांच भी उस हत्याकांड में हो रही है। अब मैं उसके आगे और आकर के आपको बताऊं तो देवरी खुर्द बिलासपुर का एक गांव है, 400 पीएम आवास बने, उसमें से 100 आवासों में एक विशेष वर्ग के लोगों ने कब्जा किया, वहां पर जाकर के धार्मिक स्थल बना लिया, वहां पर जादू टोना फूंक झाड़ करने लगे, जब तोड़े तो उसमें से हिंदू बहन बेटियों की फोटो निकलने लगी। और मैं आगे बढ़ता हूं तो देखेंगे कवर्धा में जिस प्रकार से भगवा ध्वज का अपमान किया गया, जिस प्रकार से वहां पर लाठी चार्ज किया गया और आरोपी बना दिया गया हमारे अपने लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आरोपी बनाया गया। तो ऐसी घटनाएं लगातार घटती रही ना, इस प्रकार के ये घटनाक्रम जो छत्तीसगढ़ में हुए हैं, और हर एक आप देखेंगे हर एक शहरों में, हर एक जिले में जहां पर कोई भी काम होता था वहां पर कोई ना कोई एक विशेष समुदाय का व्यक्ति एक सुप्रीम जो बन करके बैठा था कि उसके बगैर कुछ नहीं होगा भैया, वही मुख्यमंत्री है वहां का। तो इस प्रकार की जो घटनाएं घटी है छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा और वही स्थिति है फिर से लाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी जो पूर्व के हैं माननीय भूपेश बघेल जी, उनकी छवि ही ऐसी है, वो जहां जाएंगे लोगों के मन में यही भाव आएगा जैसे रायपुर में होता था कि एक सड़क में पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा करके मारा जाता था। एक बड़े पदाधिकारी का भतीजा, मैं नाम लेना नहीं चाहता, वो पुलिस वालों को खुलेआम गाली देता था, धमकी देता था, मुझे पहचानता नहीं क्या, मतलब माँ बहन की गाली भी बकी जाती थी। तो ये परिस्थितियां थी ना, मतलब जनता ने स्वीकार किया। अब फिर से क्या जनता वही, उस जनता के बीच में जब जनादेश के लिए गए हैं तो जनता वही गलती नहीं करेगी, जनता को अच्छी तरीके से पता है। और हम जो बात कह रहे हैं जनता की आवाज है। सुनील जी आप ये कह रहे हैं कि जो पूर्व सीएम भूपेश बघेल की छवि है जिहादी छवि, आप ये कहना चाह रहे हैं? उनको संरक्षण देने वालों की छवि है, सब जानते हैं इस बात को, ये कोई नई बात है क्या कि जो घटनाएं घटी हैं उसको मैं तो नहीं बोल रहा हूं, वो तो लगातार सामने है ना, लगातार मैंने गिना दिया आपको। अब उसके बाद और मैं आगे बढ़ूंगा तो आप देखेंगे कि धर्मांतरण को लेकर के कितना बड़ा बवाल मचा था नारायणपुर के अंदर। लेकिन सुनील जी भले ही कांग्रेस हार गई हो, लगातार भले ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत नहीं हुई हो लेकिन भूपेश बघेल की तो जीत हुई है ना, भूपेश बघेल तो जीते हैं, उनकी छवि तो अच्छी है तभी जीत हुई है। देखिए उनकी जीत हुई है, वो अपने क्षेत्र में जिस तरीके से वहां लोगों के बीच में रहे होंगे या उनका अपना क्षेत्र होगा वहां तो वो जीत गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, चलो आप जीत गए। तो राजनांदगांव की जनता तो पसंद कर रही है ना, आप लोग कह रहे हैं राजनांदगांव या बिहारगांव, प्रदेश में कितनी बुरी तरीके से उखाड़ के फेंका। देखिए कितनी बुरी तरीके से भूपेश बघेल जी की सरकार को उखाड़ फेंका। और राजनांदगांव में मैं नाम बता दूं क्या, किस किस शहर में कौन कौन इनके विशेष समुदाय के लोग, वहां पर ठेका देना, टेंडर बांटना, छोटे बड़े काम कराना, ट्रांसफर पोस्टिंग कराना, उनके बगैर अनुमति के तो मुख्यमंत्री जी कुछ करते नहीं थे। राजनांदगांव में भी ऐसे नाम है, कांग्रेस के लोगों को ज्यादा अच्छे से पता है, वो जानते होंगे कौन कौन लोग थे, तो हम क्या गलत बोल रहे हैं? ठीक है अमित जी, अमित जी 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 कविता जी 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 देखिए लगातार मैं सुनील जी की बातों को सुन रहा था, बड़ी लंबी तकरीर थी और मुझे ऐसा लगता है कि ये भाजपा की विकृत मानसिकता को दर्शाता है। एक तरफ तो ज्वलंत मुद्दों पे ये बात नहीं करना चाहते, चुनाव में जाने की इनकी हिम्मत नहीं है, महंगाई पे ये बात नहीं करते, जितने वादे इन्होंने किए थे अब विधानसभा चुनाव पे मोदी जी की गारंटी पे जीत गए, और अब जब लोकसभा पे जाएंगे तो जो वादे मोदी जी करके आए थे उसपे इनको जवाब देना है, और इनकी अब जनता के बीच में जाने की हिम्मत नहीं है, जिस प्रकार से ये नफरत की राजनीति करना चाहते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, जहरीली बोली बोलना, उल्टे सुलटे पोस्टर जारी करना, मैं आपको बता दूं कि ये कहीं ना कहीं उस क्षेत्र की जनता का ये लगातार अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं राजनांदगांव जो संसदीय क्षेत्र है वो संस्कारधानी कहा जाता है, कविता जी आप बेहतर इस बात को जानती है, माता बम्लेश्वरी का धाम है, उसी प्रकार से वहां पर जैन धर्म का बहुत बड़ा
चंद्रगिरी पर्वत पे, विद्यासागर जी ने अभी ब्रह्मलीन महापर्वत पे, और जिस प्रकार से वो पूजा जाता है उसी प्रकार से बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों का वहां पर बहुत बहुतायत है, और लगातार इसलिए राजनांदगांव को राजधानी कहा जाता है, संस्कारधानी कहा जाता है। लेकिन जिस प्रकार का ये पोस्टर वॉर इन्होंने चालू किया है, ये दर्शाता है कि ये चुनाव को किस ओर ले जाना चाहते हैं। इनके पास अब मुद्दा नहीं है, जवाब देने की स्थिति में ये है नहीं, तो अब चुनाव को किस ओर मोड़े ये दर्शाता है। दूसरी बात, जिस प्रकार का मैंने कहा ना कि नफरत, दिल में नफरत पाले बैठे ये भाजपा के लोग, कहीं ना कहीं लोगों की छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। और कहते ना कि कागज के पन्नों पर लिखा कुछ नहीं है, जो दिख रहा है वही है, हुआ कुछ भी नहीं है। तो लगातार अगर आप देखेंगे तो आप ज्वलंत मुद्दों पे बात करके चुनाव लड़िए, जनता जनार्दन होती है, और आपने कहा जनता ने उखाड़ फेंका, हम 35 सीट पे है और आप बोल रहे हैं जनता ने उखाड़ फेंका, आपको 14 सीटों में फेंका था, तो किस टाइप का आपको उखाड़ फेंका था ये भी आपको सोचना चाहिए। एक चुनाव जीतने के बाद जनता में अहम और वहम कविता जी नहीं आना चाहिए। लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में जिस प्रकार से ये कलंकित करने का काम कर रहे हैं, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, राजनांदगांव की जनता अपने मताधिकार के प्रयोग से इन्हें माकूल जवाब देगी। ठीक है, अजय चंद्राकर जी भी हमारे साथ हैं। अजय चंद्राकर जी, क्या स्थानीय मुद्दे जो है वो खत्म हो चुके हैं? देखिए कविता जी, जब मैं जब भी राजनांदगांव के ऊपर संवाद करूंगा जी, तो राजनांदगांव साहित्यकारों की भूमि रही। दिवाकर जी राजनांदगांव से निकलते थे डोंगरगांव मॉर्निंग वॉक में और पढ़ते पढ़ते जाते थे। यह इंपैक्ट रहा है राजनांदगांव। राजनांदगांव का नाम ही क्यों पड़ा? राज मतलब आर्थिक रूप से। रायपुर में तो राजधानी बनने के बाद पैसा आया जी। रायपुर के व्यापारियों को अगर पैसों की आवश्यकता होती थी तो वो राजनांदगांव से लाया करते थे, क्योंकि वो धान की सबसे बड़ी मंडी उस समय होती थी। आर्थिक एक्टिविटी वहां बहुत ज्यादा रहा। भगवान महावीर के अनुयायी हैं, भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, और वहां 9 बौद्ध विहार बड़े पैमाने पर है। और डोंगरगढ़ में जो बम्लेश्वरी मंदिर, ये अपनी एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो स्पिरिचुअल स्पॉट है। इन सबको समेटते हुए राजनांदगांव के लोग स्पोर्ट्स के ऊपर भी छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारतवर्ष में स्थान छोड़े हैं। खास तौर से हॉकी का जो प्रदर्शन रहा, और हॉकी के बैनर तले कभी तो इंटरनेशनल माहौल भी वहां बना। तो यहां पर यह है राजनांदगांव की परिभाषा, राज करना आर्थिक क्षेत्र में, लिटरेचर में, या फिर स्पिरिचुअल में, या फिर नौ बौद्ध, या फिर भगवान महावीर की जी। कुछ विधानसभा में ठीक है पिछली सरकार जो रही, और चाहे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बहत्ता हो या स्थानीय प्रशासन, स्थानीय पुलिस, इवन उस समय सरकार के कुछ मंत्री जैसी भूमिका होनी चाहिए थी वैसा नहीं निभा पाए, इसलिए उनको परिणाम कुछ विधानसभा क्षेत्रों में विपरीत उनको मिला जी। लेकिन राजनांदगांव इतना सुंदर नाम है, मैं ज्यादा दूर नहीं शिवेन बहादुर सिंह जी से ही लेता हूं, वहां से लेकर के मोतीलाल बोरा जी, प्रदीप गांधी जी, डॉक्टर रमन सिंह जी उनके सुपुत्र, और अभी जो प्रतिनिधित्व करते देखते हुए पांडे जी जो है, पांडे जी का भी एक अच्छा पार्लियामेंट्री के रूप में इंपैक्ट रहा। लेकिन भूपेश जी वहां गए हैं, तो निश्चित रूप से आपका जो प्रश्न था मुद्दों के ऊपर बातचीत होगी, इस तरह के विषय लाएंगे जो ठीक है। आप पॉलिटिकल पार्टियां हैं, आप पार्टियों को किस तरह से देखते हैं अजय चंद्राकर? लेकिन वहां की जो मजहबी स्पिरिचुअल रिलेशन है, और सबसे बड़ी बात यह है कविता जी कि देखिए एससी समाज के लोग वहां, और डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी बहुत बड़े पैमाने पर हैं, और डॉक्टर अंबेडकर और गुरु घासीदास जी के अनुयायियों में अंतर यह है कि डॉक्टर अंबेडकर एजुकेशन में ध्यान दिए, तो राजनांदगांव का जो कैचमेंट एरिया है पूरा वो वेल लर्नेड लोग हैं और लिटरेट लोग हैं। बिल्कुल, सवाल यही है जी, अजय चंद्राकर जी, वो किस तरह से इस तरह का नाम उनके शहर को दिया जाएगा, वो क्या संवाद करते हैं, ये तो मत पेटी खुलने के बाद ही पता चलेगा कविता जी। बिल्कुल, कितना सही है राजनांदगांव से तुलना करना जिहादी गांव, यही मेरा सवाल था जी। बिल्कुल सुनील जी, देखिए
एकदम स्पष्ट बात है। बात की स्पष्टता इसलिए है कि हमने लगातार उदाहरण देकर के बताया, और अभी हमारे माननीय अजय चंद्राकर सर भी हैं, वो भी कह रहे हैं कि मां बम्लेश्वरी की भूमि है, वो चंद्रगिरी पर्वत है, वहां पर है, वहां पर जैन समाज के, बौद्ध समाज के लोग हैं, हॉकी की नर्सरी है, साहित्यकारों का स्थान है। तो ये सारी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया गया ना 5 साल में, ये यही तो हम कह रहे हैं। आप जिन बातों को कह रहे हैं उसको हम कह रहे हैं, लेकिन अब वो राजनीतिक चश्मे से यदि कोई देखे तो उसको सब कड़वा नजर आएगा। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि वहां पर की संस्कृति को कुसंस्कृति में बदलने का काम सरकार ने किया था पिछली बार, ये स्थिति निर्मित हुई थी, इसलिए हम कह रहे हैं। और हम मैं स्पष्ट रूप से एक बात कहना चाहता हूं कि यदि एपीजे अब्दुल कलाम जी बनकर के कोई आएगा तो उनके चरणों की धूल को हम सर माथों पर लगाएंगे, उस मिट्टी को चंदन बना करके लगाएंगे, लेकिन यदि कोई कसाब बन करके आएगा तो उसको मिट्टी भी नसीब नहीं होने देंगे। ये बात स्पष्ट है, हमारी मानसिकता वो नहीं है। लेकिन आप यदि केवल एक तरफ की बात करेंगे, ऐसे नहीं चलने वाला साहब, ये देश सबका है। आज हमने सीए लागू कर दिया है, सीए जिसका ये विरोध कर रहे थे उसमें भी कितनी स्पष्टता है। देखिए आप, हमारे लोग जो मूल रूप से भारत से जुड़े हुए लोग हैं उनको क्या भारत में नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए? पर ये कांग्रेसी विरोध करके पूरे देश का माहौल खराब करना चाहते थे। मैं 2 पंक्तियां इस बारे में कहना चाहता हूं कि हमारा खून का रिश्ता है सरहदों का नहीं, हमारा खून का रिश्ता है सरहदों का नहीं, हमारे खून में गंगा भी है और चेनाब भी है। ये शेर है उन लोगों के लिए, वो समझ ले कि ये जो भारत भूमि थी, जो पूरा विश्व जो है जिसको हम अपना परिवार मानते हैं, तो हमारे परिवार के लोगों को हम यहाँ भारत की नागरिकता क्यों नहीं दे सकते? ये विरोध करते थे तो समझ में आता है ना कि क्यों करते थे, किनके पीछे खड़े रहते थे। यही मूल विषय है ये कविता जी, मूल विषय ये है। और इस विषय पर हम बात करना चाहते थे, पर पूरे समय ये आंदोलन में रह करके देश को बरगलाते रहे, लोगों के कान भर के आंदोलन खड़े करते रहे और अपनी रोटियां सेकते रहे। लेकिन अब जनता समझदार है, बड़े अच्छे से समझ रही है इनकी जो हरकतें 5 साल की रही है और जिस प्रकार से इनका इतिहास रहा है कुटिल इतिहास, ये भारत के विभाजन से लेकर के। लेकिन सुनील जी, वो वही सुनील जी, मैं फिर से वही बात कहूंगी, सुनील जी मैं फिर से वही बात कहूंगी, देश जानता है कि वही राजनांदगांव है जहां से सीएम पूर्व सीएम भूपेश बघेल जीते हैं, वही की जनता है, वही जनता ने जिताया है। फिर से वही बात, राजनांदगांव से, राजनांदगांव ना ना ना, वो दुर्ग के, वो दुर्ग दुर्ग की पाटन सीट से जीते हैं। और माफी चाहती हूं जी, 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 आचार संहिता का उल्लंघन हुआ था चुनाव प्रचार बंद होने के बाद, पुलिस कस्टडी में, पुलिस के साथ ढोल धमाका लेकर के प्रचार करते नजर आए थे। और किस प्रकार पैसे का दुरुपयोग हुआ, किस प्रकार सरकार का वहां मशीनरी का दुरुपयोग हुआ और कैसा वहां चुनाव लड़ा गया, ये हम लगातार उस समय भी बोले हैं। आपके पास भी सबूत होंगे, वो वीडियो होंगे जिसमें वो प्रचार कर रहे हैं, सारी बातें हमें भी पता है कि कैसे चुनाव जीते थे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी। लेकिन अब राजनांदगांव गए हैं, राजनांदगांव में पढ़े लिखे लोग हैं, संस्कारवान लोग हैं, ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करेंगे। और हमारे वहां के सांसद सम्माननीय श्री संतोष पांडे जी, आप देखेंगे लोकसभा में वो किस प्रकार मुखरता से अपनी बात रखते थे, विद्वता की वो, मैं कहता हूं कि उनके जबान पर, उनकी जीभ पर साक्षात उनके कंठ से मां सरस्वती जो है वो बोलती है। तो एक योग्य व्यक्ति और एक वैसी मानसिकता का व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ को गर्त में डालना चाहे, तो ये लड़ाई उन्हीं लोगों के बीच में है। अमित जी, कहा भी कि ये लड़ाई अब देखिएगा कहां जाएगी, मैं लंबी लड़ाई है और लंबे वोट से कांग्रेस वहां पर हारेगी, आप देखिएगा कि अंतर कितना बड़ा होने वाला है, बड़े अंतर से छत्तीसगढ़ में इस बार कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ेगा, लंबे अंतर से कांग्रेस हारेगी, सुनील जी का कहना है। देखिए, मुंगेरी लाल के सपने तो कोई भी देख सकता है, और अभी जिस प्रकार की बातें मैं उनसे सुन रहा था, मुझे पूर्ण विश्वास है कि भाजपा ही मानसिकता झलक रही थी। और यही फर्क है एक गांधी विचारधारा के आइडियोलॉजी को समझने वाले कांग्रेसी कार्यकर्ता में और गोडसे की विचारधारा से उनकी पाठशाला से निकले हुए विद्यार्थी में। दीज आर द बेसिक डिफरेंस कविता जी। रही बात दूसरी बात, मैं आपको बता दूं, मैंने जैसा कहा था कि ये मानसिक रोगी हो चुके हैं और जिस प्रकार से विकृत मानसिकता पे ये बात करते हैं, तो मैं इनपे कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूँ कि हमने इस दौर में अंदाजे निराले देखे हैं, फैसला कत्ल के कातिल के हवाले देखे हैं, और जिस प्रकार ये कह रहे थे तो जनता पे फैसला छोड़ देते हैं। जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र में साहब, जनता अगर जनता को लगेगा कि हमने अच्छा काम किया था तो जनता जिताएगी। और आप कह रहे थे
कि जिस प्रकार से मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कविता जी, छत्तीसगढ़ समरसता का गढ़ है और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम सभी लोग यहां पर रहते हैं, लेकिन जिस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग ये करके यहां पर सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने का जो कुकृत्य करने का प्रयास कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता इन्हें माकूल जवाब देगी। रही बात दूसरी बात कि जिस प्रकार की ये बात कर रहे थे कि ऐसा है वैसा है, तो मैं सोचता हूं कि अब हम लोकतंत्र में जनता के द्वार पे खड़े हैं और कहते हैं ना कि देवता तुल्य जनता भी फैसला करेगी कि कौन उनके लिए ज्यादा व्यक्ति सही है और किसकी आइडियोलॉजी ज्यादा सही है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हमें इंतजार करना चाहिए और जिस प्रकार का मैं कहना चाहता हूं, अगर है भाजपाइयों में दम तो आइए जलन मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं और कहते हैं ना तू इधर उधर की बात मत कर, सीधा मुद्दों पे बात करते हैं। आइए बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है उस पर हम बात करते हैं, आप जवाब दीजिए, आपके पास जवाब नहीं होगा। आपने कहा था 15 लाख अकाउंट में आएगा, आप उस पर जवाब दीजिए, आपके पास जवाब नहीं होगा। लोगों की घटती हुई कमाई और बढ़ती हुई इस देश में महंगाई, आप उस पर बात करिए, इनके पास जवाब नहीं होगा। इन्होंने कहा था 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, इन्होंने लागत दुगनी कर दी, उस पर ये बात करने का इनकी हिम्मत नहीं होगी। पता नहीं कहाँ चले गई है कविता जी, और जिस प्रकार से चाइना को आंख दिखाने की ये बात करते थे, हर मुद्दे पे ये पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं और जिस प्रकार से कुंबा जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अजय चंद्राकर जी के पास चलेंगे जी, समय का भाव है। अजय चंद्राकर जी, जिस तरह से बीजेपी ने कार्टून के जरिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल की जो छवि दिखाई है, क्या उसका असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव पर? लेकिन होगा सीएम जी, या जो सीट है वो काफी हाई प्रोफाइल हो गया, वहां के 5 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को पिछले विधानसभा चुनाव में सफलता मिली, ये एक कांग्रेस के लिए प्लस है। दूसरी बात यह है कि इस तरह के कार्टून को रखने से वहां की जनता किस तरह से उसको एक्सेप्ट करती है या रिएक्ट करती है, और जो राजनांदगांव की जो वे ऑफ लाइफ है, उस वे ऑफ लाइफ में वो इतना विविधताओं के साथ बटा हुआ है कि 9 बौद्ध जो हैं वो अपने आप को हिंदू नहीं मानते, तो एससी समुदाय के लोग भी अलग बात करते हैं। तो ये बहुत से ऐसे सूक्ष्म माइक्रो से लेकर माइक्रो ऐसे वहां पर कुछ ऐसे मैसेज है। तीसरी बात है कि बीजेपी निश्चित रूप से मल्टीपल प्रोग्राम्स लेकर के जाएगी जी। उसमें वो सामाजिक से लेकर के कल्चरल, जो कल्चरल का ही एक हिस्सा मैं मान रहा हूं इसको, और साथ ही साथ अन्य मुद्दों को लाएगी। लेकिन भूपेश बघेल एक सीएम रहे हैं तो वहां का चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है, और 5 सीटों पर जो सफलता मिली हुई है पिछले विधानसभा में, यहां पर कांग्रेस का कॉन्फिडेंस शायद ज्यादा बड़ा दिख रहा है। बीजेपी को उसके लिए कुछ 2 विधानसभा सीट से आगे निकल करके और मेहनत करना पड़ सकता है। ठीक है, समय का भाव है, इस डिबेट को यहीं पर रोकना होगा। आप तीनों का बहुत ही शुक्रिया, अमित जी आपका भी और सुनील जी आपका भी, अजय चंद्राकर जी आपका भी। तो बात छत्तीसगढ़ की में इतना ही, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।